हर हर महादेव। फिर से मुंगेर लाइव से गौतम कुमार। आज अंतिम सावन का अंतिम दिन, रक्षाबंधन की पूर्णिमा अंतिम दिन, अभी हम आए हुए हैं कच्ची कमरिया पथ, जो बोलबम शिव भक्त चलते हैं, संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कुमरसार सरकारी धर्मशाला के पास खड़े हैं। और आज सूत्रों से पता लग रहा है कि जिला अधिकारी भी आने वाले हैं आज अंतिम समापन कार्यक्रम में, महादेव के श्रावणी जो मेले का समापन होते हैं उनके कार्यक्रम में। लेकिन यहाँ अभी ये पता लग रहा है कि आज समापन है जो जिला पर्यटन स्टेज के बगल में है, और तारापुर अनुमंडल पदाधिकारी एवं तारापुर SDO एवं तारापुर DSP पंकज कुमार भी पहुँचे हुए हैं। तो सभी लोग आज अंतिम सावनी का अंतिम विदाई को लेकर पहुँचे हुए हैं। और अभी हम दिखा सकते हैं कि ये सावन में शिव भक्त हैं जो आज जा रहे हैं। और ये रहा आपका रास्ता कच्ची कमरिया पथ का, जो आप सुल्तानगंज की ओर से आते हैं और विजिट किया जा रहा है। देख सकते हैं कि अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये पुलिस कैंप आज ही भर रहेगा क्योंकि सावन मेला ये संपन्न आज होने वाला है, रक्षाबंधन है, पूर्णिमा है। और देख सकते हैं कि विजिट करने पहुंची हुई है अंचलाधिकारी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिव भक्त नहीं चलेंगे, लेकिन जो महत्व सावन का होता है, वो सावन का आज अंतिम दिन है। अंतिम विदाई समारोह में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचला अधिकारी स्नेहा सत्यम पहुंची हुई है। और एक मंथ डॉक्टर तो मिले थे, लेकिन अब इस प्रकार से मेडिकल नहीं सजेगा जिस प्रकार से सजा हुआ है, उस सावनी मेला को लेकर सजा था। देख सकते हैं कि आज अंतिम सावन मेला का विदाई समारोह भी रखा गया है। अभी हम दिखाएंगे आपको धर्मशाला के अंदर ये माहौल। देखिए आज रक्षाबंधन सावन के अंतिम दिन में ये माहौल है महादेव के भक्तों का, उनका कांवर सजे हुए रहते हैं। ये धर्मशाला में दिखा सकते हैं आपको, आइए धर्मशाला के पीछे देखिए। आज पूरे विभाग के टीम पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज सावन का अंतिम दिन विदाई समारोह रखा गया है। हमारे साथ पुलिस प्रशासन तारापुर के DSP साहब पंकज सर हैं। और पंकज सर, सबसे पहले तो हर हर महादेव। महादेव सर, सावन का आज अंतिम दिन है सर, सावन का आज अंतिम दिन है, रक्षाबंधन है सर, आप कुछ मीडिया को, महादेव के भक्तों को अंतिम दिन कुछ सर पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ कहा जाए सर? भोले भक्त श्रद्धालु कांवड़ियों को इस सावन के महीने में हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत सारे भक्त जा चुके हैं, रेस्ट जो बचे हुए हैं वो भादव के महीने में जाएंगे। प्रशासन के द्वारा जाने जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान कराने का हर संभव प्रयास किया गया। सभी धर्मशालाओं को अपडेट किया गया, वहाँ पर साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था की गई, सभी दुकानदार बंधुओं के यहाँ रेट चार्ट दिया गया और उनसे निर्धारित मूल्य से ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं लेने हेतु बाध्य किया गया। कमरिया पथ में बिछे हुए बालू में पानी पटवाया गया, कुछ भक्तजन के सुविधा में स्थानीय लोग भी पानी पटवाए। रास्ते में बिजली की व्यवस्था की गई, जनरेटर चलती थी और उसमें स्थानीय लोगों के सहयोग से लाइट भी लगवाया गया। पूरी मुंगेर जिला के पूरे कमरिया कच्ची कमरिया पथ में रोशनी की भरपूर व्यवस्था थी, पानी की अच्छी व्यवस्था थी, जगह जगह हॉस्पिटल्स बने हुए थे। आप बताइए, प्रशासन का प्रयास रहेगा कि इस साल जो सुविधाएं मुहैया करा सके उससे बेहतर सुविधा हम अगले साल मुहैया करा सके। जी सर, हर हर महादेव।